आज ये कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षकों का ऐलान हो जाएगा और फिर ये पर्यवेक्षक विधायकों से चर्चा करेंगे, क्योंकि तीनों ही राज्य में जिस तरह से बीजेपी ने बहुमत पाई है, बहुमत का आंकड़ा पार किया है, उसके बाद अभी तक मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान नहीं हो सका है। मंथन का दौर जारी है, बैठकों का दौर चल रहा है और अब खबर आ रही है कि तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों का ऐलान आज हो जाएगा। राजस्थान की पूर्व सीएम और कद्दावर नेता वसुंधरा राजे बुधवार रात से ही दिल्ली में डेरा डाले हैं और कल दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष से काफी देर तक मुलाकात की और जब मुलाकात के बाद बाहर निकली तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ये खुशी किस बात की है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जेपी नड्डा से मुलाकात करने से पहले वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की तारीफ भी की है। हालांकि कुछ दिन पहले भी वसुंधरा राजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की जीत को पीएम मोदी के विकास की जीत बताया था। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि अभी फिलहाल कोई भी जो है गलती बर्दाश्त नहीं की जाती, इसीलिए चलते ग्राउंड जीरो पर। यतेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए। यतेंद्र, आखिरकार वही हुआ जो कहा जा रहा था, तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। देखिये बिल्कुल, तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इनका ऐलान